वाले भी लगाता था ना, लाइन लुइन लगा लेंगे, मैसेज कर दिया। चलिए ये गौरव यादव बस पहुंचने वाले हैं निदेशालय परिसर पर, थोड़ा इन्होंने अभी जूस पिया है और ये दोबारा दौड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। लगातार 4 घंटे से दौड़ रहे हैं, पूरे देहरादून का चक्कर लगा दिया है। भारत माता की, धीरे चला धीरे चला, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, तेज चला, भारत माता की, क्या चला, मातरम, हमने खाया, हमने खाया, हमने पहने, हमने पहने, देश हमारा, देश हमारा, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, दंत करेंगे, मंत करेंगे, दंत करेंगे, दंत करेंगे, मंत करेंगे, दंत करेंगे, दंत करेंगे, मंत करेंगे, दंत करेंगे, जय जय मातरम, 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 हमने खाया, हमने खाया, हमने पहने, हमने पहन, चल चल, देश हमारा, देश हमारा, हम करेंगे, हम करेंगे, भारत माता की, 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 हमने कहा, हमने पहने, हमने पहने, देश हमारा, देश हमारा, देश हमारा, हम करेंगे, आराम से ना गिरूंगा। हम करेंगे, हम करेंगे, तंत करेंगे, मंत करेंगे, दंत करेंगे, तंत करेंगे, मंत करेंगे, दंत करेंगे, जय जय मातरम, 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 जय 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 मातरम, 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 भागो भागो, गोली नहीं आ गया तो गोली भाग जाओ। अरे बाहर तो ना आगे जय 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 भारत माता की, बनाओ बनाओ कोई बनाओ, जोरदार तालियां बजाओ सभी लोग, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, अन्न जहाँ का हमने खाया, अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश हमारा, उसकी रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे, कैसे करोगे, मन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, कैसे करोगे, मन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, भारत माता की।
करेंगे दंश करेंगे ऐसे करेंगे दंश करेंगे मंत्र करेंगे दंश करेंगे ऐसे करेंगे दंश करेंगे मंत्र करेंगे दंश करेंगे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम भारत माता की जय 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय अमर शहीदों की जय अमर शहीदों की जय दोस्तों वैसे तो सब कोई हर कोई अपने तरीके से स्वतंत्रता दिवस मनाता है, लेकिन क्या है मेरे दौड़ लगाने का एक मकसद ये है कि तिरंगा केवल इमारतों पे नहीं होना चाहिए, आज के दिन सड़कों गलियों हर जगह तिरंगा फहराना चाहिए। और आज मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत से लड़के मिले मोटरसाइकिल साइकिल पे तिरंगा यात्रा करते हुए, और ये ग्राफिक वगैरह इंजीनियरिंग कॉलेज है इसके टीचरों ने और स्टूडेंट भी तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे साइकिल से, और एक समासा बन जाता है। देखो वे देहरादून के दूसरे कोने से थे, ग्राफिक वगैरह इधर पड़ता है छोटमलपुर की तरफ जहाँ सुरंग है उसके आस पास, और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम इधर रायपुर ये दूसरा कोना पड़ता है। तो एक पूरे देहरादून में एक तरह की रैली निकली, तो और हमारा काम भी है, टीचरों का काम होता है प्रभात फेरी निकालना। आज के दिन टीचर लोग सुबह ही अपने बच्चों को लेकर प्रभात फेरी निकालते हैं, कोई गांव में होता है तो गांव में निकालता है, और शहर में होता है शहर में निकालता है। और आज का दिन सिर्फ नारे लगाने के लिए होता, ये होना चाहिए उन शहीदों के लिए जिन्होंने सर्वत्र निछावर कर दिया, उन्होंने अपने आप को नहीं अपनी फैमिली को भी निछावर कर दिया, और उन्होंने ये नहीं चाहा इकलौता पुत्र होते हुए भी चंद्रशेखर आजाद अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। और देखो ईमानदारी की पराकाष्ठा, देखो एक बार उन्होंने रेल लूटी थी काकोरी कांड में इधर सहारनपुर के पास, तो उनके घर से आता है कि भाई तुम्हारी माँ बीमार है, इसमें से कुछ धन दे दो इलाज के लिए। तो उन्होंने कहा मेरी तो धरती ही माँ है, और उन्होंने कहा उस दिन बता देना तुम जिस दिन तुम्हारे पास मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे ना आए रहे, मैं आऊँगा और अपनी माँ के सीने में गोली उतार के चला जाऊँगा, वही उसके लिए सब कुछ है। अब देखो वो अपनी माँ को भी कुर्बान कर रहा, खुद तो कुर्बान हो ही रहा, तो ये देश उन शहीदों के खून पसीने से सींचा हुआ है, हमें उनकी उनके जो आदर्श हैं उन पर चलना चाहिए। और ये भारत पूरे विश्व में सबसे अमीर देश है भारत, सब मौसम पाए जाते हैं, सब जलवायु पाई जाती है, और ऐसी कोई चीज नहीं है जो यहाँ नहीं पाई जाती। सबसे ज्यादा क्रॉप लैंड हमारे भारत देश में है, 40% ना इतना अमेरिका में ना और किसी देश में, और एक ऐसा देश है जो 135 करोड़ लोगों को अन्न खाने के बाद भी सरप्लस देता है, मतलब हमारे यहाँ इतना अन्न पैदा होता है कि हम निर्यात कर सकते हैं। तो इन शहीदों के लिए कहना चाहूंगा कुछ पंक्तियां, और ये मैं बार बार कह गया फिर भी कहता हूँ कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा देश उस लायक है, कभी विश्व गुरु रहा, विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारे देश में था, जब अमेरिका की खोज भी नहीं हुई थी, अमेरिका खोजी 1498 साल बाद, हमारे यहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय था तब, तो हम तो विश्व गुरु रहे हैं, और हमें उस लक्ष्य को पूरा कौन प्राप्त करवाएगा, हम ही लोग कराएंगे। क्योंकि शिक्षक क्या होता है, कोई कह रहा है शिक्षक क्या होता है लट्ठी वो आराम से उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन शिक्षक एक बहुत बड़ी चीज होती है, और कहो तो ईश्वर के बाद शायद दूसरा स्थान शिक्षक का कहा जाता है, और शिक्षक का साफ सुथरा चीज है सह से शिखर पे पहुंचाने वाला, छह से क्षमा करने वाला, कैसे कमियों को दूर करने वाला। अगर ये काम व्यक्तिगत होता ना, कभी मैं व्यक्तिगत कोई काम नहीं करना चाहा, क्योंकि क्या होता है उसमें कभी कहीं ना कहीं स्वार्थ की भावना आ जाती है, लेकिन ये केवल व्यक्तिगत काम नहीं है, ये राष्ट्र शिक्षक बनना है केवल रोजगार का काम नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण का काम है, हम राष्ट्र निर्माण करते हैं, हम ओलंपिक
खिलाड़ी बनाते हैं, हम लोग पुरस्कार प्राप्त करने वाले बनाते हैं, हम अच्छे अच्छे नागरिक और अच्छे राजनेता बनाते हैं। हमारे देश में नेता बेनेता बहुत हुए, व्यक्तिगत तरक्की भी बहुत कर रखी, जैसे कि भाई रिक्शा चलाने वाले का लड़का आईएएस बन गया, चाय बनाने वाले का लड़का प्रधानमंत्री बन गया, और बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि, एक घर में चार चार आईएएस बन गए, एक गांव में 47 आईएएस बन गए। लेकिन हमारे सारणी को उपलब्धि हम देखेंगे, जहां हमारा देश है वो कहीं नहीं ठहरते। हमारे भाई ने एक व्यक्तिगत प्रयास करा, सेना ने सपोर्ट करा, उसने गोल्ड प्राप्त कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां हम हैं, हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऐसी होनी चाहिए कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मेडल आए और इस और हमें नोबेल पुरस्कार भी मिले। और देखो कितनी शर्म की बात है, जब से हमारा देश आजाद हुआ ना, तब से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो शुरू से लेकर आखिरी तक यहीं पढ़ाओ और उसे नोबेल मिलाओ साइंस। ऐसे तो है कि भाई बीएससी एमएससी पीएचडी यहाँ वो एमटेक यहाँ से कर लिया, पीएचडी विदेश से कर ली, उसे नोबेल मिल गया। लेकिन जिसने पीएचडी तक यहाँ पढ़ाओ उसे नोबेल मिलाओ, एक भी व्यक्ति नहीं। हमारी आईआईटी टॉप 100 में नहीं आती, तो भैया हमें उस लेवल पर भी प्रयास करना पड़ेगा। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, सब रट्टाफिकेशन में लगे हुए, यहाँ तक कि छोटा सा एग्जाम हुआ है ना, मतलब हम अपने विचार भी लिख सकते हैं सिर्फ बीएड के एग्जाम में, डीएलएड के एग्जाम में, फिर भी ताक झाक कर रहे हैं हम। भाई हम पढ़ लिख के नहीं आए क्या? हमने बीएम में क्या करा, उसमें जग मारी हमने, समाज में जो हमने पढ़ा उसका चिंतन भी लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या है, क्योंकि हमारे बड़ों ने यही करा, हम भी यही कर रहे। आईआईटी में क्या होता है भैया, वहां जा पीएचडी हो रही ना, करीब 3000 बंदे पीएचडी कर रहे हैं हमारे देश। लेकिन किताबें देखो, बीएड की किताबों में यो किन्ने लिखा, जे जे ने ये कहा, ले ले ने ये कहा, टेटे ने ये कहा, भाई हमने कुछ नहीं कहा क्या? सामान्य जी बात, भारत माता की जय, एक भारत माता की जय, एक दिन उसमें पेट में तो मैं पतंग निकालने लग गया। एक छोटा सा बच्चा मुझे कह रहा, दिमाग नहीं है क्या? मतलब वो छोटे से बच्चे को पता बुद्धि क्या चीज है, लेकिन हमारे यहाँ पीएचडी करने वाले को ये नहीं पता बुद्धि क्या चीज है, वो जे जे ले ले कोई पता। एक बार मैं वहां चला गया, मुझे टीचर लोग मिल गए, कुछ मैंने कुछ राइटरों के पूछ लिया, भाई उसने शिक्षा के बारे में क्या कहा, उन्हें पता नहीं, क्योंकि वे दोहराए नहीं जाते। किसका नाम लिया जाए, चाणक्य ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, जो चीज दोहराई जावे वो याद रहे। और मैं अब दो तीन शेर व शायरी के माध्यम से अपने भाव प्रकट करना चाहूंगा, और सबका ये लक्ष्य होना चाहिए, मैंने कई बार ये शेर दोहरा भी दिया है। संपूर्ण देशों से अधिक जिस देश का उत्कर्ष हो, वह देश मेरा देश हो, वह देश भारतवर्ष हो। और एक आग होनी चाहिए, अगर हम व्यक्तिगत लड़ाई भी लड़ लेना ईमानदारी की, तो भी हमारा देश ऊंचाई पे के शिखर पर पहुंच जाएगा। महज हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तुम्हारे सीने में सही, लेकिन ये आग, ये आग जलनी चाहिए। और हम सब आप सब बहुत बुद्धिमान लोग हो, आपको इस क्षेत्र में आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, अगर किसी का कलेक्टर के एग्जाम में भी नंबर आया, उसे भी आईएएस, उसे भी शिक्षक कर भी रहे हैं अन अकेडमी जैसा, तो ये अगर यहाँ पे क्वालिटी आएगी तो चाणक्य ने कहा था, शिक्षक साधारण नहीं होता, उसकी एक गोद में विकास और एक गोद में पढ़ले खेलता है। और उसने अपने बल पे देखो एक साधारण से बालक को 25 साल की उम्र में पूरे भारत का सम्राट बना दिया, और आज 25 साल की उम्र में कलर का एग्जाम पास भी होता है। तो भाई ये टीचर की क्वालिटी होती है। और उदाहरण उठा के देख लो आप, जो अच्छा गुरु हो ना, उसके चेले भी अच्छे निकलते हैं। इस पर एक पंक्ति और कहना चाहूंगा, दीपक तो अंधेरों में जला करते हैं, दीपक तो अंधेरों में जला करते हैं, फूल तो कांटों में खिला करते हैं, और जब जब होते अच्छे अध्यापक वे युग ही बदल जाया करते हैं। धन्यवाद।